आपको पता ही होगा बच्चे, आनंद सर सुपर 30 वाले, उनका क्या मानना है इस चीज पे, ओपन बुक एग्जामिनेशन पे बच्चों को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि जो टेक्स्ट बुक आपके सामने है वो टेक्स्ट बुक पढ़ के समझ में ही नहीं आ रहा। तो जब किसी बच्चे को वो टेक्स्ट बुक पढ़ के ही नहीं समझ में आ रहा, तो वो प्रैक्टिकल स्किल्स या थिंकिंग स्किल्स या क्रिटिकल स्किल्स वो तो नेक्स्ट लेवल स्किल्स हो गए। अगर ओपन बुक एग्जामिनेशन इंप्लीमेंट होता है तो ये कब से इंप्लीमेंट हो सकता है? ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्या ये इंडिया में पहली बार हो रहा है? सबको पता है स्कूल में अगर मार्क्स लाना है अपने को तो क्या करना पड़ेगा, स्कूल के टीचर का जो भी नोटबुक है अगर आप उसको एकदम पूरा पूरा एकदम छाप देंगे, जेरोक्स लिख देंगे, तो आपको मार्क्स, इसको अपन टेक्निकली क्या बोलते हैं, मेमोरी बेस्ड लर्निंग, और अपन इसको टेक्निकली और क्या बोल सकते हैं, रट्टा मारो जिंदाबाद। अब हेल्थ उस बच्चे लोग आपको इस कारण नहीं आ रहे कि आपने मेहनत नहीं किया, मेहनत तो मेरे प्यारे बच्चे लोग सभी लोग करते हैं। डर किस चीज का लगता है? डर इस चीज का लगता है कि रात को जो डेफिनेशन याद किया, जो फैक्ट याद किया, कल एग्जाम में वो क्वेश्चन आ गया और मैं भूल गया, तो अगर किसी भी बच्चे को बुक ले जाना अलाउड हो तो तिस्मार खान बन जाएगा, टॉपर बन जाएगा। अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई ओपन बुक सिस्टम में वी आर सीबीएसई इज ट्राइंग टू इवैल्यूएट दिस पर्टिकुलर 5 स्किल। कैसे है मेरे प्यारे बच्चे लोग फ्रॉम एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ मेरा भारत महान, क्या है ओपन बुक एग्जामिनेशन? टूडे वी वुड बी टॉकिंग ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। Is it really possible to have open book examination in India? Is India prepared for open book examination? What are the implementation challenges with respect to open book examination? ये सारे questions को अपन आज के session में answer करने वाले हैं बच्चे लोग। Okay? So without any delay, full josh और full energy के साथ अपन इसको देखते हैं। Okay? तो open book examination का नाम सुनते ही आपके मन में बहुत सारे questions आ रहे होंगे। क्या अपन book को exam में ले जा सकते हैं? क्या अपना एग्जामिनेशन स्ट्रेस कम होगा? क्या अपने को ज्यादा पढ़ना पड़ेगा? क्या अपने को कम पढ़ना पड़ेगा? जैसा कि पता होगा बच्चे लोग आपको, फ्यू डेज बैक सीबीएसई इज गोइंग टू इसी साल नवंबर 2024 में सीबीएसई ओपन बुक पे एक पायलट प्रोजेक्ट करने वाली है, एंड इफ द आउटकम इज सक्सेसफुल देन मे बी इन कमिंग ईयर्स अपन ओपन बुक एग्जामिनेशन क्लास 9, 10, 11, 12 में देख सकते हैं। ओके, तो इन सारे क्वेश्चंस को अपन आंसर करेंगे आज के इस मजेदार सेशन में। ओके, देखिए, तो ओपन बुक एग्जामिनेशन का नाम सुनते ही जैसा मैंने बोला, सबसे पहले तो आपके दिमाग में बच्चे लोग ये आता होगा कि क्या एग्जामिनेशन स्ट्रेस कम होगा। हमेशा जब एग्जाम आता है तो हमारे दिमाग पे लोड होता है कि डेफिनेशन याद किया तो कहीं एग्जाम में भूल गए तो क्या होगा। ओके, तो इस चीज का अपने को इस सेशन में पता चलेगा। क्या अपने को बच्चे लोग एग्जाम में बुक ले जाना अलाउड होगा? इस चीज का भी आंसर मैं आज ही के थोड़ी देर में अपन इसको करेंगे। ओके, और अगर आपको इसका आंसर देना है तो प्लीज एंड तक जरूर वीडियो को देखें। और क्या पूरे साल कितना पढ़ना पड़ेगा? अगर ओपन बुक एग्जामिनेशन इंप्लीमेंट होता है तो ये कब से इंप्लीमेंट हो सकता है? ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्या ये इंडिया में पहली बार हो रहा है? ओके बच्चे लोग, तो इन सारे क्वेश्चंस को अपन आज के इस सेशन में आंसर करने वाले हैं। ओके, प्लीज वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें इन सारे आंसर्स को मिलने के लिए। ओके, ठीक है, मैंने इन सारे चीजों को सिस्टमाइज कर दिया है। अपन किन किन चीजों के आंसर आउट करेंगे? विल द बुक, इज द बुक गोइंग टू बी अलाउड इन द एग्जामिनेशन? विल द एग्जामिनेशन स्ट्रेस डिक्रीज? विल वी हैव टू स्टडी थ्रू आउट द ईयर? ओके, इज इट द फर्स्ट टाइम इट इज गोइंग टू बी इंप्लीमेंटेड इन इंडिया? एंड इफ पॉसिबल देन फ्रॉम विच ईयर वी कैन एक्सपेक्ट दैट ओपन बुक एग्जामिनेशन विल बी इंप्लीमेंटेड इन इंडिया? और इतनी सारी चीजों को करने के लिए क्या क्या इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस आने वाले हैं वो भी अपन बच्चे लोग देखेंगे। ओके, ठीक है, चलिए, तो सारे चीजों को समझने के लिए बच्चे लोग पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि अभी का सिनेरियो क्या है, व्हाट इज द एग्जैक्ट सिनेरियो। अभी आप लोग सभी लोग एग्जाम दे रहे होंगे तो करेंट एग्जामिनेशन सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं कि ये मेमोरी बेस्ड एग्जामिनेशन सिस्टम है। ओके, और इसको अपन क्लोज्ड बुक बोलेंगे। सबको पता है स्कूल में अगर मार्क्स लाना है अपने को तो क्या करना पड़ेगा, स्कूल का जो भी टेक्स्ट बुक आपको दिया गया है, स्कूल के टीचर का जो भी नोटबुक है अगर आप उसको एकदम पूरा पूरा एकदम छाप देंगे, जेरोक्स लिख देंगे, तो आपको मार्क्स आ जाएंगे। इसको अपन टेक्निकली क्या बोलते हैं, मेमोरी बेस्ड लर्निंग। ओके बच्चा लोग, ओके, और अपन इसको टेक्निकली और क्या बोल सकते हैं, रट्टा मारो जिंदाबाद। एग्जाम का टाइम आया, रात भर रटो, अगला दिन जाके जो भी रटा है उसको लिख दो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये एक सबसे बड़ा लैकुना हो जाता है क्लोज बुक एग्जामिनेशन का, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट क्लोज बुक एग्जामिनेशन से बच्चों का एग्जामिनेशन स्ट्रेस भी काफी इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है बेटा लोग? ओके, तो ये था बेसिक बात क्लोज बुक एग्जामिनेशन में। ठीक है, नेक्स्ट, जैसा मैंने बताया क्लोज बुक एग्जामिनेशन में क्या होता है,
अभी काफी बच्चे लोग का एग्जाम चल रहा है, तो जब एग्जाम आने वाला होता है तो मैंने देखा बेटा काफी बच्चे लोग का तबीयत खराब हो जाता है, हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। अब हेल्थ इश्यूज बच्चे लोग आपको इस कारण नहीं आ रहे कि आपने मेहनत नहीं किया। मेहनत तो मेरे प्यारे बच्चे लोग सभी लोग करते हैं, अब मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बच्चे लोग तो एकदम पूरा जी जान लगा के मेहनत करते हैं। डर किस चीज का लगता है? डर इस चीज का लगता है कि रात को जो डेफिनेशन याद किया, जो फैक्ट याद किया, कल एग्जाम में वो क्वेश्चन आ गया और मैं भूल गया तो ठीक है। काफी बार स्कूल में होता है, आपने आपने भी फील किया होगा कि कोई बच्चा है उसने एक पर्टिकुलर चीज पढ़ लिया, उसने वो याद कर लिया, वही चीज एग्जाम में आ गया। ओके, तो ये भी डर लगा रहता है कि जो चीज अपन ने याद किया वो एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा। आ गया तो वाह, नहीं आया तो फिर, तो इसके कारण काफी ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है। क्लियर है बच्चे लोग? तो क्लोज बुक एग्जामिनेशन में अपने को क्लोज बुक सिस्टम में क्या देखने को मिल रहा है कि स्ट्रेस, एग्जामिनेशन स्ट्रेस क्या है, काफी ज्यादा रहता है। और स्ट्रेस एग्जैक्टली किस चीज का रहता है कि एग्जाम में कहीं नहीं याद आया तो क्या, कोई भी बच्चा है जैसे ये तो हार्ड वर्क कर लिया, पढ़ लिया रात भर, ठीक है सालों बाद पढ़ा, लेकिन एग्जाम के समय क्या लगा, अचानक से भूल गया, स्ट्रेस आ गया, तबीयत खराब हो गया। तो ये सबसे बड़ा एक और लैकुना है जो अपने क्लोज बुक सिस्टम के कारण अपने को देखने को मिलता है। क्लियर है बच्चे लोग? ओके, अगर अपन बात करें क्लोज बुक 2024 जो अभी जो सिनेरियो चल रहा है, तो जब भी अपन एग्जाम देने जा रहे हैं तो बच्चे लोग आप क्या लेके जाते हो? अपना हार्डवर्क लेके जाते हो, जो पढ़ाई आपने रात भर किया है, पूरे साल किया है। ओके, ठीक है, और आप भी जान रहे हैं कि जो चीज आपने पढ़ा अगर वही चीज आ रहा है एग्जाम में, ओके, तो एग्जाम में आप और अपना किस्मत लेके भी जाते हो। ठीक है, तो करेंट सिनेरियो कैसा है? करेंट सिनेरियो क्या है? इट इज वेरी मच मेमोरी बेस्ड, चीजें याद रह सकती हैं, नहीं रह सकती हैं। एनालिटिकल स्किल्स, प्रैक्टिकल स्किल्स, इसको टेस्ट नहीं किया जाता या इसको परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में नहीं डाला जाता है करेंट क्लोज बुक सिनेरियो में। क्लियर है बच्चा ये बात? ओके, तो एग्जामिनेशन हॉल में अपन क्या क्या लेके जा रहे हैं? अपना किस्मत और हार्ड वर्क। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, किस टाइप के क्वेश्चन अभी आ रहे हैं? सभी बच्चे लोग को पता होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, फैक्ट्स नहीं तो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है। अब खुद सोचो बच्चे, अगर एग्जाम में बुक ले जाना अलाउड हो, एनसीईआरटी ले जाओ, एग्जाम छोड़ो बच्चा, इंडिया का एग्जाम है नहीं, नीट नहीं होगा पता आप लोग को बच्चे लोग, नीट इंडिया में अराउंड 22 लाख बच्चे इस एग्जाम को देते हैं। अगर इस एग्जाम में सोचो बच्चा, अगर इस एग्जाम में एनसीईआरटी ले जाना अलाउड हो जाए, ठीक है, तब तो सब बच्चों का 700 प्लस आ जाएगा, सब चले जाएंगे एम्स। ओके, तो आप सोच के देखो, क्लियर ये बात आपको? तो यही बात मैंने लिखी है कि अगर किसी भी बच्चे को बुक ले जाना अलाउड हो तो तिस्मार खान बन जाएगा, टॉपर बन जाएगा। क्लियर? ऑल्दो ये देखा गया इन फ्यू इयर्स, इन रिसेंट इयर्स वी हैव सीन दैट सीबीएसई हैज इंट्रोड्यूस्ड सीबीक्यूज और केस बेस्ड क्वेश्चंस और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। क्लोज बुक सिस्टम के बारे में, क्लोज बुक एग्जामिनेशन सिस्टम के बारे में ये चीज आपको क्लियर हुआ कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फैक्ट्स डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। ओके, और अगर बुक ले जाना अलाउड हो तो Anybody can top the examination. Next, देखिए क्लोज बुक सिस्टम में क्या हो रहा है बेटा? क्लोज बुक सिस्टम में क्वेश्चन पेपर जो प्रिपेयर किया जाता है, that is, you can say, easy process. Okay? Current scenario में क्वेश्चन पेपर easy process है। जब आपने एग्जाम दे के आप आ गए तो आपका जो आंसर सीट है, उस आंसर सीट को चेक करने के लिए भी अपन क्या बोलते हैं कि वो easy process है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ही फैक्ट्स और डेफिनेशन बेस्ड पूछा गया। जब क्वेश्चन ही फैक्ट्स और डेफिनेशन बेस्ड होगा तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मॉडल आंसर तैयार कर सकते हैं। ओके, कुछ कीवर्ड्स दे सकते हैं कि जो बच्चा आपने जो एग्जामिनेशन आंसर शीट लिख के आया है, उसको जो भी बंदा या जो भी आंसर चेकर उसको चेक कर रहा होगा, तो उसके पास मॉडल आंसर होगा, उसके पास कीवर्ड होगा, तो उसके बेसिस पे ही और सी कैन गिव यू मार्क्स। तो ये सिनेरियो आपका चल रहा है क्लोज बुक सिस्टम। क्वेश्चन स्टैंडर्डाइज्ड है। ओके, तो जब क्वेश्चन स्टैंडर्डाइज्ड है तो आंसर भी स्टैंडर्डाइज्ड है। दिस इज द करेंट सिनेरियो व्हिच इज गोइंग। सो एज यू कैन सी, क्वेश्चन पेपर मेकिंग इज ऑल्सो इजी प्रोसेस एंड चेकिंग एंड और इवैल्यूएशन ऑफ आंसर इज ऑल्सो अ इजी प्रोसेस। ओके, क्लियर? नेक्स्ट आप देखिए, क्लोज बुक सिस्टम को अपन ने समझ लिया, ओपन बुक सिस्टम को अपन समझते हैं। ओपन बुक सिस्टम में क्या है? अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई ओपन बुक सिस्टम में वी आर सीबीएसई इज ट्राइंग टू इवेल्युएट दिस पर्टिकुलर फाइव स्किल्स एंड ऑल दिस फाइव स्किल्स इज बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। ऐसा नहीं है कि रट्टा मारो जिंदाबाद, रट लिए तो आपको जाके, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में एकदम जो डाटा लिख के आ गया तो नंबर मिल जाएगा, नहीं। एनालिटिकल स्किल्स को टेस्ट किया जाएगा, प्रैक्टिकल स्किल्स को टेस्ट किया जाएगा, क्रिटिकल स्किल्स को टेस्ट किया जाएगा, लॉजिकल स्किल्स को चेक टेस्ट किया जाएगा, एनालिसिस को टेस्ट किया जाएगा। क्लियर बेटा? ओके, तो यहाँ पे अगर ओपन बुक स्किल्स की बात की जाए तो कौन कौन से स्किल्स की बात की जा रही है? वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिएटिव थिंकिंग,
ओके, वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल नॉलेज, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट एनालिसिस एंड ऑल्सो थिंकिंग. ओके, क्लोज बुक क्या था? मेमोरी बेस्ड. ओके, ओपन बुक में क्या क्या है? दीज स्किल्स पे फोकस किया जाएगा. एंड ऑल दीज स्किल्स आर व्हाट? ऑल दीज स्किल्स आर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज. क्लियर? ओके, नेक्स्ट अब आप देखते हैं कि क्लोज बुक में अपन क्या क्या ले जा रहे थे. अपना किस्मत ले जा रहे थे और हार्डवर्क ले जा रहे थे साथ में. ओके, ओपन बुक एग्जामिनेशन अपन साथ में क्या क्या ले जा रहे हैं? बुक्स ले जा सकते हैं, हाँ बेटा बुक्स ले जा सकते हो. नोट्स ले जा सकते हो, हाँ नोट्स ले जा सकते हो. अब डिपेंड करता है कि आपने खुद के जो नोट्स बनाए हुए, शॉर्ट नोट्स बनाए हुए, क्या वो चीज आप एग्जाम में ले जा सकते हो. तो ये डिपेंड करता है कि ओपन बुक आपका रेस्ट्रिक्टेड ओपन बुक है कि नॉट रेस्ट्रिक्टेड ओपन बुक है. ओके, दो टाइप का ओपन बुक एग्जामिनेशन हमारे पास, रेस्ट्रिक्टेड और अनरेस्ट्रिक्टेड या नॉट रेस्ट्रिक्टेड. तो जिसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो आप सब कुछ ले जा सकते हो. आपने तो साल भर नोट्स बनाया वो ले जाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ वो ले जाओ, ये बुक का, इस पब्लिकेशन का बुक मैंने ये ले जाओ, इस पब्लिकेशन का बुक ये ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है. लेकिन रेस्ट्रिक्टेड वाले में क्या होगा? जहां पर भी वो एग्जाम हो रहा है, जो भी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी होगी, फॉर एग्जाम्पल सीबीएसई दिस केस में, तो वो डिसाइड करेगी कि कौन सा बुक ले जा सकते हैं, कौन सा बुक नहीं ले जा सकते. क्लियर है बच्चा? क्लोज बुक की और ओपन बुक. क्लोज बुक में अपन क्या ले जा रहे थे? हार्डवर्क ले जा रहे थे अपने साथ, किस्मत भी जा रहा था साथ में, यहां तो पूरा बुक ही जा रहा है. क्लियर है? ओके, ठीक है. यहां पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? अभी अपन ने देखा क्लोज बुक में फैक्ट्स और डेफिनेशंस बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन है, तो यहां पे क्वेश्चन कैसे रहेंगे? जो आपको सोचने पे मजबूर करेगा, जहां पे नॉलेज का एप्लीकेशन होगा, ठीक है, जहां पे आपका प्रैक्टिकल नॉलेज भी टेस्ट होगा, जहां पे आपका लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल स्किल्स भी टेस्ट होगा. क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन को अपन क्या बोलेंगे? दिमाग की बत्ती जला देने वाले क्वेश्चन. तो ऐसे क्वेश्चंस आपको कहां देखने को मिलने वाले हैं? ओपन बुक में देखने को मिलने वाले. एज आई टोल्ड यू, व्हाट आर वी गोइंग टू टेस्ट, कि नॉलेज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसा है. जो भी आपको सामने फैक्ट्स रखा गया है, उन फैक्ट्स को एनालाइज करके आप क्या समझ पाते हो, इसी को अपन क्या बोलते हैं? अंडरस्टैंडिंग या एनालिसिस. क्लियर है बच्चा लोग ये बात? आई होप आपको कंपैरिजन समझ में आ रहा होगा. ओके, क्लियर? ओके, सारे चीज मैं आपको बताऊंगा जिसके बेसिस पर आप डिसाइड कर पाओगे, जो सारे क्वेश्चंस अपन ने स्टार्टिंग में रेज किया था, ठीक है. नेक्स्ट देखो, क्लोज बुक एग्जामिनेशन में क्या था? क्वेश्चन मेकिंग प्रोसेस वाज स्टैंडर्ड, इट वाज यूनिफॉर्म. ओके, और सीबीएसई के अंदर इतने सारे स्कूल से इसी कारण क्लोज बुक सिस्टम को फॉलो किया जाता है, क्योंकि वहां क्वेश्चन मेकिंग प्रोसेस क्या होता है? स्टैंडर्ड होता है. आंसर शीट इवैल्यूएशन प्रोसेस भी क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है. ओके, लेकिन यहां पे ओपन बुक में क्वेश्चन पेपर बनाना खुद में एक डिफिकल्ट प्रोसेस होगा. क्यों डिफिकल्ट प्रोसेस होगा? व्हाई इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट? बिकॉज द क्वेश्चन हैज टू बी प्रिपेयर्ड इन सच ए वे दैट अ स्टूडेंट हैज टू यूज हिज ब्रेन, हिज प्रैक्टिकल नॉलेज टू आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. अभी के क्वेश्चन कैसे? फैक्ट और डेफिनेशन बेस्ड, तो वहां कोई दिमाग या ग्रे सेल्स या कोई यूज करने का जरूरत ही नहीं पड़ता. याद करो, रटो और लिख दो. लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होने वाला. यहां मैंने लिख भी रखा है, क्वेश्चन सेट है, जो भी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन बनाएगा तो उसके सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या आएगा? कि क्वेश्चन मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन सच ए वे दैट स्टूडेंट हैज टू यूज हिज और हर ब्रेन फॉर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन. ओके, तो पहले क्वेश्चन जब सेट हो रहा है क्लोज बुक एग्जामिनेशन में, तो ये कोई बड़ा चैलेंज नहीं है. आर वी क्लियर ऑन दिस फ्रंट? ओके, आई होप आपको ओपन बुक और क्लोज बुक के बीच में हल्का फुल्का अंतर तो जरूर समझ में आ रहा होगा. वहां पे क्लोज बुक में जब अपन आंसर शीट इवैल्यूएट करें, तो अपने पास क्या था? मॉडल आंसर्स था, कीवर्ड्स थे. यहां पे आंसर को इवैल्यूएट करने का प्रोसेस भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है. क्यों? क्योंकि हर स्टूडेंट का आंसर अलग अलग होगा. अगर क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है कि व्हाट इज योर नेम, या फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इन विच डायरेक्शन सन राइजेस, तो उसके आंसर तो हमेशा ईस्ट ही होने वाला है, ठीक है, सनराइज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट. लेकिन अगर उसके पीछे का लॉजिक के पीछे जाया जाए कि व्हाई इट इज राइजिंग दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो इट हैज गॉट टू डू विद अर्थ मूवमेंट, कि अर्थ का मूवमेंट जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अपने को सनराइज देखने को मिलता है. क्लियर है? चलो, तो इसमें क्वेश्चन मेकिंग प्रोसेस इज ऑल्सो डिफिकल्ट, जहां पे टीचर का ट्रेनिंग इज गोइंग टू बी वेरी वेरी पिवोटल रोल. अपार्ट फ्रॉम दैट, हर बच्चे के आंसर अलग होगा, तो उसका चेकिंग के प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करना इज ऑल्सो ए वेरी डिफिकल्ट टास्क इन फ्रंट ऑफ सीबीएसई. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. क्लोज बुक में क्वेश्चन बनाना, आंसर सीट को चेक करना, इजी प्रोसेस. यहां पे क्वेश्चन बनाना, बच्चों के आंसर्स को इवेल्युएट करना, इट्स अ डिफिकल्ट प्रोसेस. क्लियर बच्चे लोग ये? ओके, नेक्स्ट देखें,
जो बेसिक डिफरेंसेस बेटा अपन लोगों ने देखा उसको मैंने यहाँ कस्टमाइज मतलब कर दिया आपके लिए साथ में, एक बार देख लेते हैं। अभी बताया क्या अपन साथ में ले जा सकते हैं, बुक्स और नोट्स ले जा सकते हैं, यहाँ पे क्या लग गया हार्डवर्क ले जा सकते हैं, क्या अपन जो भी बुक ले जा रहे हैं एग्जाम में उसको यूज कर सकते हैं, उसमें से सर्च करके आंसर लिख सकते हैं, हाँ तो इधर लिख सकते हैं, क्लोज बुक में तो बुक ही ले जाना अलाउड नहीं है, क्या क्या चीज का टेस्टिंग हो रहा है ओपन बुक में, एज आई टोल्ड यू प्रैक्टिकल नॉलेज टेस्ट हो रहा है, और यहाँ पे क्या टेस्ट हो रहा है, रटने की कैपेसिटी या क्षमता, कौन कितना याद करके एग्जाम में लिख के आ सकता है, क्लियर है ये चीज दोनों के बीच का डिफरेंस। थोड़ा सा और डिफरेंस देख लेते हैं बेटा, हाउ इज आंसर रिटेन, अभी बताया आंसर कैसे रिटेन होगा, एग्जाम देने आप जाओगे तो बुक ही आपके सामने, तो अपने को करना क्या है, दिमाग यूज करके बुक जो सामने है उसमें से आइडिया लेके अपने शब्दों में आंसर लिखना है, ओके यही चीज मैंने इधर लिखा है। और इधर क्लोज बुक में क्या, रट्टा मारो जिंदाबाद, रट्टा मारो जिंदाबाद क्या होता है, अलग से मैंने एक वीडियो में बताया, बच्चों जरूर जाके देखे वो, जहां पे जेईई मेंस के सारे क्वेश्चंस को मैंने एनालाइज किया है, ओके। दिमाग की बत्ती जला देने वाले क्वेश्चंस कहां पे आएंगे बेटा, यहां पे ओपन बुक में, क्लोज बुक में कोई ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा नहीं, मेजोरिटी आपका कैसा होने वाला है, फैक्ट नहीं तो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन होने वाला है, क्लियर। नेक्स्ट देखो और क्या क्या डिफरेंसेस है बेटा, ओपन बुक में कहां पे फोकस है, अभी बताया था ओपन बुक स्किल्स पे फोकस है, तो यहां पे थॉट प्रोसेस पे फोकस है, क्या क्लोज बुक में थॉट प्रोसेस पे फोकस है, ना क्रॉस नहीं, फैक्ट्स एंड डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस कहां ज्यादा आएंगे क्लोज बुक एग्जामिनेशन में, क्लियर है बच्चा। कौन सा ज्यादा चैलेंजिंग होगा टीचर्स के लिए, एज आई टोल्ड यू क्वेश्चन पेपर सेटिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ द आंसर सेट इज गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग प्रॉब्लम इन ओपन बुक एग्जामिनेशन, सो ये चैलेंज कहां देखने को मिलेगा ओपन बुक में, क्या ऐसा कोई चैलेंज है क्लोज बुक में, नहीं ऐसा कोई चैलेंज नहीं है क्लोज बुक में, अभी क्लियर हो, चलो ओके। यहां पे देखिए सेटिंग और क्वेश्चन पेपर किसमें ज्यादा, इधर डिफिकल्ट इधर इजी, समझने पर फोकस ज्यादा कहां पर दिया जाएगा, ओके तो समझने पर ज्यादा फोकस किधर रहेगा, इधर क्लोज बुक में ज्यादा समझने पे फोकस नहीं है, याद करने पे ज्यादा फोकस होता है। रट्टा मारो जिंदाबाद कहाँ पे रहेगा बेटा, रट्टा मारो जिंदाबाद ओपन बुक में तो है ही नहीं, आपको तो बुक ही दे दिया गया, तो रट्टा मारो जिंदाबाद तो चलेगा नहीं उधर, रट्टा मारो जिंदाबाद किधर चलेगा, अभी क्लोज बुक में चलने वाला है। बेसिक डिफरेंस बेटा आपको क्लियर हो रहा है ओपन बुक और क्लोज बुक एग्जामिनेशन में, कुछ और डिफरेंसेस है देखिए, क्लोज बुक एग्जामिनेशन में क्या होता है, चीटिंग काफी ज्यादा होता है, तो ये भी बोला जा रहा है कि नकल की जो समस्या है, चीटिंग की जो समस्या है, ओपन बुक में आएगा ही नहीं, किताबी आपके सामने कर लो जो चीटिंग करना है, क्लियर। तो चीटिंग की प्रॉब्लम कहां आती है, क्लोज बुक एग्जामिनेशन में आती है, अभी बताया एग्जामिनेशन स्ट्रेस, एग्जामिनेशन स्ट्रेस कहां ज्यादा रहेगा, क्लोज बुक एग्जामिनेशन में, पता ही होगा बच्चा लोग आपको जब भी एग्जाम आता है तो कितना स्ट्रेस में रहते हो आप लोग, ओके। तो एग्जामिनेशन स्ट्रेस क्लोज बुक में कम रहेगा, न्यू लाइन ऑफ थिंकिंग, एज आई टोल्ड यू ये पूरा फोकस क्या है, टू इनकरेज न्यू लाइन ऑफ थॉट, तो न्यू लाइन ऑफ थिंकिंग आपको कहां देखने को मिलेगा, ओपन बुक में मिलेगा, क्या क्लोज बुक में देखने को मिलेगा, नहीं। आर वी क्लियर ऑन दिस थिंग, ओके। अब याद कीजिए जो जो क्वेश्चन अपन लोगों ने स्टार्टिंग में पूछा था, सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, क्या एग्जाम में बुक ले जाने को मिलेगा, हाँ मिलेगा अपने को, रेस्ट्रिक्टेड होगा तो कुछ कुछ लिमिटेशन होगा कि बुक्स ले जा सकते हैं, नॉन रेस्ट्रिक्टेड में तो जो मन बुक्स ले जाओ नोट्स ले जाओ सब ले जा सकते हो, क्लियर है ये। दूसरा अपना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या था बेटा, क्या एग्जाम में स्ट्रेस कम होगा, बात तो सही है, अब याद करने का कुछ प्रॉब्लम रहेगा नहीं, और जब याद करने का प्रॉब्लम नहीं रहेगा तो भूलने का भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, तो अपन ये बोल तो सकते हैं कि एग्जामिनेशन स्ट्रेस कम होगा, लेकिन बच्चा आप खुद सोचो, परफॉर्मेंस प्रेशर तो हमेशा रहेगा, कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप परफॉर्म कर रहे हो, तो क्या परफॉर्मेंस प्रेशर का उसका प्रेशर कम होने वाला है, नहीं। एग्जामिनेशन स्ट्रेस तो डेफिनेटली बच्चों कम ही होगा, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, पूरे साल कितना पढ़ना पड़ेगा, अभी स्टार्टिंग में बच्चों को बताया कि साल के अंत में किताब ले जाना अलाउड है, तो वो तो पढ़ेंगे ही नहीं, पढ़ाई का मतलब वो मोटिवेशन ही नहीं रहेगा, ओके तो पूरे साल कितना पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्यों, मैंने आपको बताया ओपन बुक स्किल्स में क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स प्रैक्टिकल स्किल्स टेस्ट होता है, तो उसके लिए आपको थ्रू आउट द ईयर प्रैक्टिकल नॉलेज को गेन करना पड़ेगा, क्लियर है बच्चे लोग। आज की डेट में बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ कि वन शॉट लेक्चर देख लिया, एग्जाम आया वन शॉट लेक्चर देख लिया, काम चल गया, तो बच्चों अभी थोड़ा मोटा काम चल क्यों जाता है वन शॉट लेक्चर पे, क्योंकि पूरा चीज मेमोरी बेस्ड चल रहा है, पूरा इवैल्यूएशन मेमोरी बेस्ड चीजों पे हो रहा है, तो वन शॉट लेक्चर देखने से काम चल जाएगा का क्लोज बुक्स सिनेरियो में, लेकिन जब ओपन बुक आ जाएगा तो क्या आपका काम चलेगा, नहीं चलने वाला, क्योंकि आपको समझने पे ध्यान देना पड़ेगा, ओके। और कौन कौन से क्वेश्चंस थे कि क्या ये इंडिया में पहली बार आ रहा है, देखो बच्चों मेरा कॉलेज है, ओके हमारे कॉलेज में थर्ड ईयर में एक ओपन बुक एग्जामिनेशन हुआ करता था प्रोसेस डिजाइन का, ओके तो उसमें बुक ले जाना अलाउड था, पर ऐसा नहीं कि जो नोट्स आपने बना लिया वो नोट्स आप इस कॉलेज में ले जाके एग्जाम दे सकते, एक मोटा सा इतना सा बुक था प्रोसेस डिजाइन का, उसका अपना ओपन बुक एग्जामिनेशन होता था और वही बुक अलाउड होता था, तो उसको अपन किस कैटेगरी में डालेंगे, रेस्ट्रिक्टेड ओपन बुक एग्जामिनेशन में डालेंगे। तो एज यू कैन सी कि ये क्या ये पहली बार हो रहा है हमारे भारत में, नहीं, मेरे कॉलेज में डेट वॉज वे बैक व्हेन आई वाज इन थर्ड ईयर,
2007-8 की बात है, उस समय ओपन बुक एग्जामिनेशन मैंने खुद दिया। ओके, केवल IIT रुड़की नहीं, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, इवन JNU, ओके, तो सारे यूनिवर्सिटीज में ओपन बुक एग्जामिनेशन देखने को मिला है। स्पेशली आफ्टर कोविड ये सिस्टम आ चुका है, और इनफैक्ट इन कमिंग ईयर्स अपने को देखने को भी मिल सकता है। आर वी क्लियर ऑन दिस फ्रंट? इज दिस द फर्स्ट टाइम ऑफ इंडिया? नहीं, जैसे मैंने बताया JNU हो गया, IIT रुड़की तो आप देख ही रहे, IIT दिल्ली हो गया, IIT बॉम्बे हो गया, तो इन सब जगह ऑलरेडी ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम को, इनफैक्ट IIT चेन्नई हो गया। ओके, क्लियर बच्चे लोग? ठीक है, तो नेक्स्ट अपन जो आपके मन में क्वेश्चन था उसको नेक्स्ट अपन आंसर करते हैं एकदम क्लियर टर्म में कि ये कब से लागू होगा, ये सिस्टम में इतनी सारी अच्छाई है, इतनी सारी बुराई है, तो कब से लागू होगा? तो एज आई टोल्ड यू, CBSE ने ऑलरेडी पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया। ओके, पायलट प्रोजेक्ट नवंबर 2024, इसी साल नवंबर में पायलट प्रोजेक्ट होगा। कौन कौन से क्लासेस में होगा बेटा? 9, 10 में और 11, 12 में। सब्जेक्ट पे ध्यान देंगे, 9, 12 में क्या है? इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस। 11, 12 में क्या है? इंग्लिश, मैथ्स एंड बायो। ओके, टाइम फ्रेम क्या होगा बेटा इंप्लीमेंटेशन का? एज आई टोल्ड यू, क्वेश्चन पेपर सेटिंग, आंसर सेट इवैल्यूएशन आर गोइंग टू बी सम ऑफ द मेजर चैलेंजेस। तो इसी कारण 2 से 3 साल माना जा रहा है कि पेपर सेटर्स को इम्पावर करने में समय लगेगा, और ऑलमोस्ट 5 to 8 years प्रोजेक्टेड टाइम फ्रेम कि इतने सालों में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। आर वी क्लियर? इससे आई होप आपको आइडिया लग रहा होगा कि कब से अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये इंडिया में लागू हो सकता है। क्लियर? ठीक है, ओके। अब जब इंडिया में इम्प्लीमेंट होगा तो थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या चैलेंजेस हमारे सामने आने वाले। ओके, तो बहुत सारे मेजोरिटी पेरेंट्स को क्या लग रहा है ऐसा कि ये उनके बच्चों के लिए लिमिटिंग होगा। लिमिटिंग होगा मतलब क्या? अब बुक ले जाना अलाउड होगा तो बच्चों को याद करने की क्षमता या मेमोरी कैपेसिटी कम हो जाएगा। तो उनका ये फियर से बात भी सही है कि अगर बुक अलाउड होगा तो क्या होगा, अपन याद नहीं करेंगे तो जो मेमोरी स्किल है वो अपना डाउन हो जाएगा। स्टूडेंट्स बच्चे लोग आपकी बात करें तो क्या होगा, ओपन बुक एग्जामिनेशन है तो आपके दिमाग में पता ही होगा कि साल के अंत में तो बुक अलाउड ही है, तो पूरे साल तो आप पढ़ोगे ही नहीं, पढ़ने का भी कुछ खास मोटिवेशन रहेगा नहीं। ओके, टीचर्स के लिए मैंने बताया, टीचर्स के लिए क्या प्रॉब्लम होने वाला है? क्वेश्चन पेपर बनाना और उसको इवैल्यूएट करना। ओके, ठीक है, ऑल इन ऑल बात क्या हो रही है कि कॉम्पिटेंसी टू ऑर्गेनाइज द एग्जाम। तो ये कुछ चैलेंजेस है जो हमारे सामने आने वाले हैं व्हेनेवर CBSE डिसाइड्स टू इंप्लीमेंट द ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम। क्लियर? कुछ और डेटा बच्चों मैं आपको बताऊं तो ऐसा नहीं है कि CBSE ने अभी 2024 में ऐसा कुछ करने का सोचा है। ऑलरेडी वे बैक इन 2014 आप देख सकते हैं ओपन टेक्स्ट बुक असेसमेंट OTBA CBSE ने इंप्लीमेंट किया था। क्लियर? लेकिन इट हैज टू बी क्लोज्ड इन 2017। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ट्रेनिंग नहीं था। किस चीज का ट्रेनिंग नहीं था? एज आई टोल्ड यू, क्वेश्चन पेपर को सेट करना और साथ ही साथ आंसर शीट को इवैल्यूएट करना, इन सब चीजों के लिए ट्रेनिंग चाहिए। ओके, तो फाइनली व्हाट CBSE रियलाइज्ड दैट ड्यू टू लैक ऑफ ट्रेनिंग, ड्यू टू लैक ऑफ कॉम्पिटेंसी एंड ड्यू टू लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस ऑल द स्टेट्स, CBSE हैड टू शट इट डाउन। ओके, ये कब की बात है? 2017 की बात है। क्लियर बच्चा? ओके, ठीक है, आपको पता ही होगा बच्चे आनंद से सुपर 30 वाले, उनका क्या मानना है इस चीज पे, ओपन बुक एग्जामिनेशन पे। ओके, उनका बेसिक फोकस क्या है? अभी मेजोरिटी ऑफ एजुकेशन सिस्टम देखोगे इंडिया में तो क्या है, बच्चों को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि जो टेक्स्ट बुक आपके सामने है वो टेक्स्ट बुक पढ़ के समझ में ही नहीं आ रहा। तो जब किसी बच्चे को वो टेक्स्ट बुक पढ़ के ही नहीं समझ में आ रहा तो वो प्रैक्टिकल स्किल्स या थिंकिंग स्किल्स या क्रिटिकल स्किल्स, वो तो नेक्स्ट लेवल स्किल्स हो गए। मतलब उन सब स्किल्स को एक्वायर करने के लिए एक प्री कंडीशन ये है कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होना चाहिए। बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होता है कि जो भी बुक आपको दिया गया है उसको पढ़ के आप समझ पा रहे। ओके, ठीक है, तो क्या है, बच्चे को समझ में आएगा तब तो एनालिटिकल थिंकिंग करेगा, दिस इज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो जब भी सिस्टम को इंप्लीमेंट करने जाएंगे तो क्या होगा, इंडिया में इतने सारे बच्चे, अपना इंडिया का पॉपुलेशन देखेंगे तो 150 करोड़ सेट इज टचिंग। ओके, तो सारे बच्चों को जो डिजिटल कंटेंट है वो इक्विटेबल एक्सेस हो उसका, स्टेट बोर्ड के अलग प्रॉब्लम है, क्वेश्चन पेपर के अलग प्रॉब्लम। क्लियर है बच्चे लोग? ओके, आई होप आपको ओपन बुक और क्लोज बुक के बीच में जो डिफरेंसेस है, दोनों के क्या बेनिफिट्स है और लॉसेस है, आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो आपको क्या लगता है बच्चे कि ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम इंडिया में इंप्लीमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो बच्चे लोग आपको डेफिनेटली ओपन बुक और क्लोज बुक के बीच में जो बेसिक डिफरेंसेस है, दोनों के बेनिफिट्स जो है, दोनों के साथ चैलेंजेस क्या क्या है, आपको डेफिनेटली क्लियर हो गया होगा।
तो मेरे प्यारे बच्चे लोग फ्रॉम एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ मेरा भारत महान, डेफिनेटली कमेंट में मुझे ये बताएं दैट शुड ओपन बुक सिस्टम बी इंप्लीमेंटेड इन इंडिया और नॉट। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ऑसम एनालिसिस में। ओके, बाय।